अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक इन सादनेल फ्यूजन 2.0। तो आज मैं बना रही हूँ कुछ डिफरेंट। देखिए क्या है, ज़रा गेस कीजिए। दिस इज़ मोजीतो फ्लेवर्ड ब्राउनी। तो चलिए देखते हैं हम इसकी रेसिपी। तो एक बाउल में मैं ले रही हूँ क्रीम चीज़, जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, और इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे फॉर 5 मिनट्स। हम बहुत से ब्राउनीज बना चुके हैं, ऑलमोस्ट ऑल। अच्छे से इसको हम ब्लेंड करेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा मोजीतो सिरप बाय 2 बैचेस। मोजीतो सिरप ऐड करने के बाद हम इसको फिर से एटलीस्ट फॉर 2 मिनट्स बीट करेंगे। देखिए कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा मिक्स क्रीम चीज़ एंड मोजीतो सिरप। मैं इसमें फिर से नेक्स्ट बैच ऐड कर रही हूँ मोजीतो सिरप का, और इसमें ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पस फ्लोर यानी कि मैदा, देन अ ड्रॉप ऑफ ग्रीन कलर। अब हम इसको अच्छे से अगेन बीट करेंगे एटलीस्ट सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। मेक श्योर सब इंग्रेडिएंट्स रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉप्ड मिंट, एकदम बारीक कटे हुए फाइन चॉप्ड मिंट। ओके, अब इसको हम साइड में रख देंगे, नॉट इन द फ्रिज। अब एक बॉल में मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट एंड बटर। अब इसको हम माइक्रोवेव करेंगे फॉर 30 सेकेंड्स। देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुकी है हमारी चॉकलेट एंड बटर। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ऐड करेंगे मोजीतो सिरप। अब इसमें हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे, सब रूम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए सब इंग्रेडिएंट्स, ड्राई हो या वेट। अच्छे से मिक्स करने के बाद सी द कंसिस्टेंसी। अब हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जैसे कि कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर, देन ऑल पर्पस फ्लोर, बेकिंग सोडा। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे बाय बैचेस, सब एक साथ मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है हमें। कट एंड फोल्ड मेथड में मिक्स करना है हमें। अब मैं ले रही हूँ 7x7 इंच टिन, और माइक्रोवेव को प्रीहीट के लिए भी रखी हूँ मैं ऑन 180 डिग्री फॉर 10 मिनट्स। अच्छे से हमें
स्प्रेड कर देना है। मैं थोड़ा बैटर बचाई हूँ ताकि मैं कप में भी ऐड कर सकूँ। अब हम हमारी फिलिंग ऐड करेंगे जो मैं पहले बनाई थी, जस्ट फिल करने के लिए हम ऐड करेंगे ये फिलिंग। ऐसा मत समझिएगा कि ऑप्शनल है, ये ज़रूरी है बिकॉज दिस इज़ मोजितो ब्राउनी। अब जस्ट एक टूथपिक लेके हम स्वेल कर देंगे इसको और बेकिंग के लिए रखेंगे ऑन 180 डिग्री फॉर 35 to 40 मिनट्स। टूथपिक टेस्ट कर लीजिएगा आप आफ्टर 35 मिनट्स। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी मोजितो ब्राउनी। आफ्टर 35 मिनट्स हमारी ब्राउनी अच्छे से बेक हो चुकी है। देखिए मैं टूथपिक टेस्ट कर रही हूँ, टूथपिक एकदम क्लीन से निकल रही है। देन इट्स डन। अब हम इसको कूलिंग रैक पे रखेंगे फॉर 10 मिनट्स, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। दिस इज़ नॉट फजी ब्राउनी, इसलिए हमारी नाइफ एकदम क्लीन से निकलेगी। ओके, नॉट दिस इज़ नॉट फजी। देखिए नाइफ एकदम क्लीन से निकली है। एकदम परफेक्टली बेक हुई है हमारी मोजितो फ्लेवर्ड ब्राउनी। माशाल्लाह, आप भी ज़रूर बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कैसी बनी थी आपकी मोजितो फ्लेवर्ड ब्राउनी।